तो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डी एन शाह व्लॉग्स पे, जहाँ पे हर दर्शक को मिलता है महत्व और मिलता है प्यार। ये व्लॉग पिछले वाले व्लॉग का कंटिन्यूशन ही है। जी हाँ, आप देख रहे होगे सेम ही कपड़े हैं, सेम जगह है, सेम टाइम है, तो कंटिन्यूशन ही है। वो वाला व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सेकंड व्लॉग में इसको डाला है। और आज मैं करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात, कि अपनी गाड़ी पे क्या कराना चाहिए, PPF या फिर सेरेमिक। और मैंने अपनी गाड़ी पे पर्सनली क्या कराया, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करूँगा। और इस बारे में भी बात करूँगा कि ये जो सर्विस है, ये जो हम अपनी गाड़ी पे कराते हैं, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में चल रही है, ये हमारी जेब पे कितनी भारी पड़ती है। तो जैसे कि गाड़ी लेने के बाद ही मैंने मार्केट में पहले से ही पता करने लगा था कि ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो मुझे पता, हम सबको पता है कि दो ही मेजर ऑप्शन है इस टाइम पर, PPF एंड सेरेमिक कोटिंग। तो PPF की पहले बात कर लेते हैं। मैंने नेक्सॉन का पता करा था, एक अच्छे ब्रांड, जो कि नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का, बट एक अच्छा ब्रांड जो पॉपुलर है, उसमें मैंने पता करा था। तो इट वॉज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख के अराउंड का PPF कोट हो रहा था मेरी गाड़ी पे। और जो PPF क्वालिटी वॉज गुड, अच्छी क्वालिटी का PPF था, और उसकी गारंटी भी थी 3 से 5 साल, वॉट एवर, बट 1 लाख रुपये का PPF। तो मुझे तो ये बात थोड़ी सी जमी नहीं कि इतनी, पहले आप एक गाड़ी लो और फिर उस पर 1 लाख रुपये का PPF कराओ, जो कि एक बेसिकली प्लास्टिक का कोटिंग होती है आपकी गाड़ी के ऊपर, जो खुद भी एक टाइम के बाद डिग्रेड होती है। अगर आप वाइट कलर पे कराते हो तो वो येलोइश हो जाती है, जो कि होना स्वाभाविक है। ऐसा कोई अगर आपको बोलेगा कि नहीं होगी तो वो गलत बोल रहा है, होगी ही। बेकार क्वालिटी या क्वालिटी वाइज कुछ जल्दी हो जाएगा और कुछ थोड़ा लेट होगा, बट होगा ज़रूर। बाकी दूसरी चीज़ पे आते हैं, जो कि थी सेरेमिक कोटिंग। लेकिन हाँ, PPF के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इन कंपैरिजन टू सेरेमिक कोटिंग, जो एक दूसरा पॉपुलर ऑप्शन है। इस पे, इन दोनों के बारे में डिटेल में मैं कभी अलग व्लॉग पे बात कर लूँगा कि क्या सही है, क्या कराना चाहिए, क्या ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो एज़ पर योर बजट। तो दूसरा ऑप्शन था जो कि सेरेमिक कोटिंग, तो इसका ऑप्शन भी मैंने बाहर पता करा, प्लस टाटा वाले भी मुझे ऑप्शन दे रहे थे सेरेमिक कोटिंग का। और मोटा मोटा मैं आपको कोट बताता हूँ, जो मुझे पड़ रहा था वो पड़ रहा था 25 से 30 हज़ार रुपये का सेरेमिक कोटिंग, जो कि फॉर द टाइमिंग ही वैलिड रहती है, 3 से 6 महीने कुछ ऐसा रहता है। बोल वो 1 साल का रहे थे, बट मेजरली वो अगर आपकी वॉश हो रही है रेगुलर और ये सब है, तो वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, अप्लाइड रहता है एक तरीके से। इंटरनेट पे फिर मैंने काफ़ी सर्च किया, थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाया, और अभी फ़िलहाल मैं इस सोल्यूशन पर पहुँचा हूँ कि मैं सेरेमिक ही करूँगा, सेरेमिक की तरफ ही जाऊँगा। और 25 से 30 हज़ार रुपये भी मैं सोच रहा था कि ज़्यादा लग रहे थे मुझे एक कोटिंग के लिए, उसमें PPF की तरह उतने एडवांटेजेस नहीं है स्क्रैच के प्रति, बट वैसे है। तो मुझे एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन मिला, जो कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये है वो ऑप्शन, अगेन शाइनेक्स प्रो का, स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने खुद रिसर्च किया है प्रोडक्ट। तो शाइनेक्स प्रो का सेरेमिक कोटिंग, स्प्रेबल DIY सेरेमिक कोटिंग। जी हाँ, ये एक बॉटल में आता है, जिस पे जिसको आप स्प्रे करके खुद कोट कर सकते हैं। तो ये इसका स्प्रेयर है, ये बॉटल में प्रीफिल्ड है। और इसके साथ आते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री माइक्रोफाइबर्स, अप्लाई करने के लिए एक, और एक पफिंग के लिए। और बेसिकली सेरेमिक कोटिंग के लिए 1-2 प्रीरिक्विजिट्स हैं, जो कि है कि आपकी कार धुली होनी चाहिए, मैंने वापस से धोई है, मतलब अभी जैसे धोई है जस्ट पिछले वॉक में अगर आपने देखा होगा। और प्लस ये डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होनी चाहिए, शेड में होनी चाहिए। और आप इसको अप्लाई भी इसको थोड़े ठंडी जगह पे करो, और एकदम डायरेक्ट सनलाइट पे तुरंत मत लेके जाओ। तो इसलिए हम लोग ने बेसमेंट में व्लॉग बना रहे हैं, यहाँ पे पार्क है, और अभी मैं इसको यहाँ पे करूँगा। बाकी इसके एडवांटेजेस क्या हैं वो मैं आगे आपसे इसके बारे में डिस्कस करता रहूँगा, अभी इसको पहले अप्लाई करता हूँ। और ये बहुत ही सस्ता पड़ा है मुझे जेब पे मेरे, मैं आपको आगे इसकी कॉस्ट भी बताऊँगा कि कितना सस्ता पड़ा है। इसकी एक बॉटल आपकी कार को 3 बार फुल कोट कर सकती है, और एक कोटिंग चलती है 4 से 6 महीने तक। तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल ऑप्शन है हमारे लिए। और इसके और भी फीचर्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक है, तो आपके पानी, इसको लगाने के बाद आप जब भी गाड़ी पे पानी डालोगे तो पानी उस पर रुकेगा नहीं, तो पानी के स्टेन्स भी नहीं आएंगे, जो हमारे दाग पड़ जाते हैं ना जहाँ आपका पानी हार्ड होता है, तो वहाँ पर और नुकसान देता है। तो ये बहुत कारगर है उस चीज़ पर। तो अभी इसको जल्दी से करते हैं अप्लाई। पहले मैं, और इसको अप्लाई 1 सेक्शन 1 पार्ट एट अ टाइम करना है, ऐसा नहीं कि पूरी गाड़ी पर स्प्रे कर दिया और फिर आप लगे, आप एक पार्ट सेलेक्ट करिए और फिर स्टार्ट करिए। अभी पहले मैं इसको करता हूँ बोनेट पे स्प्रे। मैंने तरीका बताया था वो ये था, अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, ऐसे अप्लाई करते हैं। इसको आप अच्छे से जो भी आपने पार्ट सेलेक्ट करा उस पर इवनली स्प्रेड कर दीजिए। और मेरे बोनेट पे, जैसे मैंने एक बार बताया था कि किसी ने अपनी कुंतस निकालने के लिए अच्छे से स्क्रैच ऐसे करके मार दिया, तो आई होप ये उस पर भी कारगर। अभी हम आते हैं पफिंग पे,
तो उसके लिए जो उन्होंने दूसरा माइक्रोफाइबर क्लोथ दिया उसको यूज़ करेंगे और सर्कुलर मोशन में लग जाएंगे। इनकेस आपका वीकेंड का वर्कआउट बच रहा हो तो अब ये बहुत अच्छी चीज़ है उसके लिए भी। तो हो गई है पूरे कार पे सेरेमिक कोटिंग और मुझे 15 से 20 मिनट लगे लगभग पूरी कार पे कोट करने में, जो कि बहुत एक अच्छा टाइम था, कम टाइम था। वर्कआउट का वर्कआउट हो गया, पूरी कार पे कोटिंग हो गई। और अब मैं बात करता हूँ इसकी प्राइसिंग की, तो ये मुझे पड़ी है मात्र 1000 रुपये की और ये इसका प्राइस ही है। आप भी जाके देखोगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो 1000 रुपये के आसपास ही पड़ेगी, 2 माइक्रोफाइबर क्लोथ्स और 1 पूरी सेरेमिक की बॉटल। मुझे ये ऑप्शन बहुत अच्छा लगा अभी के तक के लिए, तो अप्लाई किया है। अब इसका जो इसका रिजल्ट आएगा वो मैं आपसे आगे आने वाले समय में शेयर करूँगा, बट मैंने इसका रिसर्च जितना किया था और जितने ऑनलाइन पढ़ा इसके बारे में रिसर्च किया, तो मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा। नो हार्म इन ट्राइंग वाला था, 1000 रुपये का है तो इतनी कोई दिक्कत भी नहीं है ट्राई करने में, और इसके रिजल्ट्स अच्छे ही थे ऑनलाइन। बस अभी इसको धूप में नहीं ले जाना है थोड़ी देर के लिए, तो अभी इसलिए ही नीचे अप्लाई किया था और इसको अब देखते हैं। और इसके जो आफ्टर अभी जो शॉट्स हैं तो वो तो अंधेरे में अच्छे आएंगे नहीं, तो इसलिए एक बार मैं इसको कल खुले में ले जाके इसके कुछ शॉट्स रहेंगे वो मैं डाल दूंगा। तो इस व्लॉग को एंड करते हैं यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, जेब पे भी बहुत हल्का रहता है और इजी टू अप्लाई, DIY है, स्प्रे करने वाला है तो बहुत इजीली हो जाता है। आपने देखा ही कि जस्ट स्प्रे किया और फिर बफ कर दिया। इनकेस आपकी कोई रिकमेंडेशन या कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड बाय बाय।